वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम डायलॉग बॉक्स का जो नेक्स्ट टाइप है प्रॉम्प्ट बॉक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉम्प्ट बॉक्स का काम होता है, अगर आपने कोई वैल्यू इनपुट करनी है, यानी कि प्रोग्राम में वो वैल्यू आपने डालनी है, उसके लिए ये बॉक्स यूज किया जाता है। इसके साथ आपको नीचे दो बटन्स मिलेंगे, ओके एंड कैंसिल। अगर आप ओके प्रेस करोगे और उसमें कोई वैल्यू एंटर करोगे तो वो वैल्यू एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, और अगर आपने कैंसिल बटन को प्रेस किया तो उस वेरिएबल में नल वैल्यू आ जाएगी। प्रॉम्प्ट फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो उसके आगे आप एक वेरिएबल का नेम लोगे, जैसे कि नीचे हमने यूज किया वेर ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद आप व्हाट इज योर नेम इस तरह से ये लिख सकते हैं, और कॉमा लगा के एक सेकेंड वैल्यू भी दे सकते हैं, जिसमें आप एक डिफॉल्ट टेक्स्ट अगर उसमें देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और सेमीकोलन पुट कर दीजिए। अब इसमें जो बॉक्स आएगा उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ होगा, जिसमें आप वैल्यू एंटर करोगे, जो भी आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो पहले से उसमें प्रेजेंट होगी, और जैसे ही आप उसमें वैल्यू डाल के ओके करोगे वो वाली वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर आपने कैंसिल प्रेस किया तो उस वेरिएबल में नल वैल्यू आएगी। आप उस वैल्यू को अलर्ट बॉक्स के थ्रू प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नीचे किया हुआ है। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे आपका अपीयर होगा वो शो करूंगी। ये हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स का एग्जांपल है, जिसमें मैंने एक साइड नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड ब्राउजर पे उसका एग्जीक्यूशन खोला हुआ है। तो इसकी अगर हम स्क्रिप्ट की कोड देखें तो प्रॉम्प्ट बॉक्स को हमने कैसे कॉल किया, वेर ए इक्वल टू प्रॉम्प्ट, उसके बाद पहली वैल्यू दी हमने व्हाट इज योर नेम, फिर कॉमा लगा के हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे पहला टेक्स्ट व्हाट इज योर नेम, ये तो आपका मैसेज वहाँ पे शो करेगा, और दूसरा जो टेक्स्ट होगा वो उस पर्टिकुलर जो बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा जिसमें आपको वैल्यू इनपुट करनी है, वहाँ का डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट उसमें नहीं डाला तो ये वाला टेक्स्ट आपका डिफॉल्ट वहाँ पर आगे एंटर हो जाएगा। उसके बाद जो भी वैल्यू अगर आपने उसमें डाली वो वाली वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी। अगर आपने कोई वैल्यू डाली तब तो वो पर्टिकुलर वैल्यू, और अगर नहीं डाली तो नल स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप उस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में कैसे भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं उस वैल्यू को यहाँ अलर्ट के थ्रू डिस्प्ले भी कर रही हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी डिस्प्ले करा रही हूँ। आप अगर आगे कुछ प्रोग्राम में कैलकुलेशन के लिए उस वैल्यू को यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट बॉक्स अपीयर होता है। जो आपने यहाँ पे पहला टेक्स्ट लिखा है व्हाट इज योर नेम, वो तो यहाँ पर ऊपर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है नेम, वो इस तरह से यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर कोई भी नेम जब इनपुट करोगे, जैसे हमने यहाँ पर ये इनपुट किया, और जब हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम, और आपने वहां पे अल्फा डाला तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। फिर हम ये अलर्ट बॉक्स है ओके प्रेस करेंगे, और यहाँ पर ये जो आ रहा है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आ रही है, वो वाली वैल्यू जो हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स में डाली थी। और अगर हमने वहां पर कुछ भी नहीं डाला, जैसे ये नेम है मैं इसको हटा देती हूँ, अब यहाँ पे वेलकम और इसके बाद ये ब्लैंक आ रहा है, और ओके किया तो यहाँ पे वेलकम और ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ भी इनपुट नहीं किया। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट बॉक्स आप वैल्यूज को इनपुट करने के लिए यूज कर सकते हैं और उन वैल्यूज को फर्दर अपने प्रोग्राम में यूज करा सकते हैं। आई होप आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।